हे व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बहुत बढ़िया। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा लद्दाख 2023 राइड एक्सपीडिशन हो गया है पूरा। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी, इस बार हमने अपने लद्दाख 2023 में कवर किया है उमलिंगला, विच इज हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। हाइट है जी 19,024 फिट। जब हम उमलिंगला से वापस आ रहे थे तो ये हमारे ग्रुप की जो KTM ये हुई आउट ऑफ द ट्रैक, एंड मिस्टर दमन हमारे ब्रो, वो साइड में ड्रैग होके और स्लिप होके गिरे। अब क्या वजह थी, आई एम श्योर कुछ लोग फर्स्ट इंस्टेंस में देखते ही बोलेंगे अबे चलानी नहीं आती, अबे बाइक में दिक्कत थी, अबे ये था, अबे वो था, 100 तरीके की बातें। आप वीडियो देखिए, उसके बाद एक्चुअल फैक्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि बिना जाने आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचे वो सही नहीं। सभी चीजें पता होने के बाद ही कंक्लूड करना चाहिए। दमन किए यार, ये क्यों वो ट्रैक छोड़ के ये क्यों बढ़ गया तू? पता नहीं, मेरे को समझ में लगी तो नहीं लगी तो नहीं ना, मैं तो मजाक सा लगा था, मुझे लगा कोई और गया हुआ। भाई कैसे एकदम से ट्रैक कैसे हो गया लूज? पता नहीं, कोई पत्थर आया शायद मेरा ना। ये जो छोटे छोटे बीच में पत्थर होते हैं ना, ये डिसबैलेंस करते हैं, इसलिए मैं बहुत स्लो निकालता हूँ। हर जला तेरे को सांस चढ़ रहे हैं। चल एक न्यूट्रल करना चलो। ये देखने में प्लेन और काली लगती है रोड, ये बीच में छोटे छोटे पत्थर है ना, डिसबैलेंस कर देते हैं। तो खड़ी कर ले साइड, देख लो अगर सब ठीक है कि नहीं। वो हिल गया क्या? जैसे चूड़ी ऐसी नहीं खराब हो जाती, ये भी लिए क्या? नहीं ये तो ठीक है, और तो कुछ नहीं है ना? ना ना, तेरे को तो नहीं लगी ना? इसको निकाल ही ले, वही देख रहा हूँ कैसे निकालूं, अंदर की तरफ करके क्या? ये नीचे होता ना, हो गया टाइट, हो गया ठीक है बस। चलो ऑल गुड। अरे भाई मेरे को तो दूर दूर तक उम्मीद ही नहीं थी कि तू गिरा हुआ है। मैं सोच रहा कोई रेस्ट कर रहा है बाइक लेटा के और बैठा हुआ है। मुझे क्या पता तू गिरा हुआ है। पता है बिल्कुल स्लो था ना, कैसे यहाँ से ना रोड ही ऐसे 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 आई, इधर ही चला गया। नींद तो नहीं आ रही? नींद तो नहीं है? ना ना, रुक जा थोड़ी देर, रिलैक्स कर, हमें ऊपर कर, ये ठीक है। हाँ ठीक, मैंने तो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ तो जी, वीडियो आपने देख ली है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बाइक स्ट्रेट रोड है जो पीछे से सीधा दिखाई दे रहा है, तो ये आउट ऑफ द ट्रैक हुई तो हुई कैसे? मैं बताता हूँ कैसे, क्योंकि मैं दमन के साथ ही राइड कर रहा था उस टाइम। क्या होता है जब हम रोड पे स्ट्रेट चल रहे होते हैं ना, तो जब मान लो इतना चौड़ा रोड है तो दोनों पैरेलली जो टायर चलते हैं गाड़ियों के, वो रोड तो साफ रहता है, लेकिन रोड के बीचों बीच बहुत पतला सा रेत रहता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे सराउंडेड जो अभी माउंटेन्स हैं, उसका रेत जो है ना वो थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा बजरी टाइप है, तो ना बिल्कुल पतले वाला नहीं है। तो वो क्या है, वो बहुत सारी जगह टर्न्स पे, कॉर्नर्स पे, रोड के बीच में जगह जगह था,
विजिबल वीडियोस में या पिक्चर्स में ऐसे नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो था। तो कई बार क्या होते हैं, जब पीछे से हम स्पीड में आ रहे होते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा भी टर्न लेना होता है और बाई चांस हमारी नजर पड़ जाती है उस रेत के ऊपर, तो माई डियर फ्रेंड उस रेत को इग्नोर करने के चक्कर में आप बाइक को ना, जैसे बाइक से थोड़ा सा टेढ़ा हो जाते हो और ऐसे बाइक को सीधा करके रखते हैं, उसकी वजह से आप आउट ऑफ द ट्रैक हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपको लगता है कि अरे मैं तो रोड से नीचे उतर जाऊंगा, उस मोमेंट पे आप रोड से नीचे आ जाते हैं एंड फिर उस रेत में डिसबैलेंस ना हो तो आप अपनी बाइक को स्ट्रेट ही रखने की कोशिश करते हैं एंड उसी मोमेंट में आप सीधा जाके किसी चीज को टच कर जाते हैं। यहां पे सबसे अच्छी भी चीज ये थी कि स्पीड ग्रेसफुली जो थी वो थोड़ी थोड़ी टाइम के साथ स्लो हो गई और कोई मेजर इंपैक्ट होने से बच गया। जब मैंने फर्स्ट इंस्टेंस में देखा था, क्योंकि मैं उससे थोड़ा पीछे चल रहा था, मेरी नजरों से मिसिंग था वो, जब आगे गया मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो टू बी ऑनेस्ट मैंने पहली बारी में ऐसे देखा कि साइड से निकलते निकलते मुझे लगा किसी ने बाइक साइड में लिटाई हुई है और कोई रेस्ट कर रहा है। एंड जब मैंने गौर से उसको देखा तो देखा मैं दमन भी बाइक के नीचे बैठा है। वो मेरे लिए थोड़ा सा फनी मोमेंट था, बट क्या होता है ना, चीजें जब तक मतलब एकदम से तो नहीं क्लिक करती, तो मुझे भी जब क्लिक हुआ कि अबे ये तो गिरा है, तो मैंने भी फटाफट जाके उसको उठाया और फिर हम वहां से राइड करके नीचे हानले की तरफ निकल लिए। देखो अब आप ये सोचेंगे कि KTM 390 स्कीड कैसे हो गई, मैं हिमालयन राइड कर रहा था। तो मैं आपको बता दूं, ऐसी सिचुएशन में हालांकि KTM 390 में ट्रैक्शन कंट्रोल एंड ऑल पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, लेकिन ये सब चीजें मैटर नहीं करती बॉस, जब आपकी बाइक लीन है और सड़क पे रेत या बजरी है तो क्या करेगा आपका ट्रैक्शन कंट्रोल, ज्यादा से ज्यादा आपकी रेस को छोड़ देगा, स्पीड नहीं बढ़ेगी, दैट्स इट। लेकिन जो आप स्लिप हो रहे हैं वो स्लिप तो आप होंगे। सो हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर राइड स्किल, राइडिंग स्किल्स बड़ी, बाकी ये सब चीजें टेक्निकल जो स्पेक्स है ये कई बार रखे रह जाते हैं। सो आई एम श्योर अच्छा लगा होगा आपको ये वीडियो देख के, एंड अगर ये वीडियो आपको किसी पर्पस को फुलफिल करते दिखे तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इन लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि KTM का ये एक्सपीरियंस लोगों तक पहुंचना जरूरी है। 390 और हिमालयन 411 बोथ टुगेदर एंड वी हैव डन उमलिंग ला। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियोज, लव यू गाइज।